है तो यहाँ से बाईपास स्टार्ट हो गया हिसार का, और जो ले लैंड पे नए ड्राइवर आने हैं वो अभी तक पहुँचे नहीं हैं। वो हिसार से पीछे थे लगभग 30 किलोमीटर, तो तकरीबन आने में उसको 1 घंटा 1.5 घंटा लगेगा। तब तक हम उसका इधर ही वेट करेंगे, मिलेंगे वो हमें आगे जब वो हिसार में आ जाएंगे और ऑटो में बैठेंगे बाईपास के लिए, तब इधर से चलेंगे। तो चलते हुए हम आपको ये नज़ारा ज़रूर देंगे, देखते रहना। गणपति चाय चूहे लेंगे, इधर चाय पियेंगे, कांच साफ करेंगे, और तब तक वो ड्राइवर आ जाएगा, फिर चलेंगे। ये है गणपति पंजाबी ढाबा। कांच हमने साफ कर लिए हैं, अभी इधर चाय पियेंगे, चाय पी के चलते हैं। खाने का भी टाइम नहीं हुआ है, कभी मौका मिलेगा तब देखें कैसा खाना है, अभी फ़िलहाल चाय पीते हैं। हम हैं हिसार बाईपास में, आ गया हूँ ले लैंड में। इसको ड्राइव कर रहे हैं बड़े भाई सतवीर। ये देखिए इधर, अभी जो ड्राइवर आना है इस पे वो हमें आगे मिलेगा, उसको हम आगे से रिसीव करेंगे और आपका परिचय कराएंगे। और बैंज गाड़ी पीछे पीछे है, अभी हम हिसार बाईपास पे हैं। लाइटें जग चुकी है, मैं सभी ड्राइवर भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि रात के टाइम हाई बीम का प्रयोग ना करें, लो बीम रखें, ताकि सामने से आने वाली गाड़ी को क्लियर दिखाई दे सके। साथियों वीडियो पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपका छोटा भाई धर्मवीर। पिछली ट्रिप में कुछ भाइयों का बोलना था कि व्लॉग घर से शुरू करें, तो अब की बार दोस्तों व्लॉग हमने घर से ही शुरू किया है, और हर वीडियो का आप पूरा मज़ा लीजिए। अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, अगर कहीं पर कोई भी कमी आपको नज़र आती है तो कमेंट में बताएं। और अभी मैं ले लैंड में हूँ, बैंज गाड़ी अपना पीछे पीछे आ रहा है।